लेके आए हैं, कैसे लेके आए हैं? मेरी स्क्रिप्ट, मेरी स्क्रिप्ट आप मेरे चैनल हाउ इंडी पर देखिए। दीप सिद्धू का नाम आते ही इतना ज्यादा बौखलाहट क्यों? नाम आते ही बौखलाहट आ रही है। आप अंकल नो, इंटरनेट पे आप यू कांट टच माय माइक। आई कैन डू एनीथिंग। नो यू कांट टच माय माइक, यू कैन डू एनीथिंग बट यू कैन नॉट टच मी और एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू मी। आप ही बता दिए क्या क्वेश्चन पूछूं आखिर? आप पूछिए। नहीं पूछिए, आपने कहा मैं स्क्रिप्ट लेकर आई हूँ तो लेके आइए ना, फिर क्वेश्चन बताइए, पूछिए, जो भी पूछना। मैंने सब पूछा, अब आप बता दिए मैं यहाँ पे क्या पूछूं कि लोग मुझसे खुश हो जाए और तालियां बजाएं। साल बदल गया है, मौसम बदल गया है, दिन बदल रहे हैं, लेकिन नहीं बदल रहा है तो वो है यहाँ का माहौल। 75 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को और पहले दिन से हमारा चैनल हाउ इंडी सिंगू बॉर्डर से, टीकरी बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से आपको किसान आंदोलन की खबर पहुंचा रहा है। यहाँ आज जब मैं पहुंची तो यहाँ हर रोज़ की तरह उसी तरह से एक माहौल है। आप देख सकते हैं लोगों का जो एक जुलूस है वो यहाँ आज भी उसी तरह से चल रहा है। जगह जगह लंगर चल रहे हैं, यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं, रोज़ की जो दिनचर्या होती है उसी प्रकार से होती है। साथ ही साथ आज हमने बड़ा अच्छा एक नज़ारा देखा, यहाँ पर जो निहंग सिखों का एक घोड़ा है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, आज उसको यहाँ पर जो है नहलाया जा रहा था, उससे थोड़ा आगे बढ़ी तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कपड़े यहाँ पर कभी सर्दियों के कपड़े मिला करते थे, अब देखिए मौसम बदल गया है तो गर्मियों के कपड़े जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है लेकिन माहौल नहीं बदला। चलिए कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी यहीं पर बात कर लेती हूँ। कब से आए हुए हैं बाबूजी आप यहाँ पर और कहाँ से? हफ्ता हो गया सर। अच्छा, क्या लगता है और कितने दिन? कोई पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, हाँ कोई उम्मीद नहीं। आप कब से आए हुए हैं? पटियाला जिला से जी। अच्छा, कल मोदी जी ने कहा कि किसान आकर हमसे बातचीत करे। अच्छा, और यहाँ पे कोई ऐसा है जो शुरू से आया हुआ हो या काफी दिन हो गए हुए? जी आते हैं जाते हैं। हाँ, जाते हैं, वापस पर चले जाते हैं ना जी। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ आप लोग दिन भर क्या करते हैं यहाँ पर, किस तरह की एक आपकी पूरी रूटीन है? हम धरने पर बैठ जाते हैं मैडम, जहाँ स्टेज लगती है वहाँ पर चले जाते हैं, वो प्रचार सुनते हैं वहाँ सभी के जाकर, फिर उसके बाद काम भी करना पड़ता है ना, सुबह शाम काम भी का, खाना पकाना, सुबह भी शाम को सब्जी भाजी बनानी पड़ती है ना जी। हाँ जी, हाँ आप भी बता रहे थे, कौन बता? हाँ जी, हम सुबह शाम हमारा खाना बनाकर फिर हम स्टेज पर चले जाते हैं, शाम को फिर खाना बना लेते हैं आके। अच्छा, घर वालों से दूर है, घर वालों की याद आती होगी? नहीं आती है, घर वाले हमारे साथ हैं, वो कहते जाई चलो, हमको एक महीना हो गया हमको, जहाँ बारह महीना हो गया है। सर्दियों का मौसम आपने देख लिया, बारिशें देख ली, अब गर्मियों के दिन आने वाले हैं। कोई बात नहीं जी, हम सारा प्रबंध करेंगे। बाबूजी अभी तो सर्दियों का मौसम था, बारिश गई, अब गर्मियों के दिन आ रहे हैं, कैसे क्या होगा अगर खत्म नहीं हुआ तो फिर क्यों हो जाएगा जी? खेतों में एसी लगे हटते, खेतों में गर्मियों में तुरे फिरते हैं, गर्मियों में इतने कटांगे, सर्दियों में इतने कटांगे, लगे रहेंगे। हाँ लगे रहेंगे, जितना देर मर्जी लगे रहेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी का कल बयान आया कि भारत की चाय को बदनाम कर दिया, भारत की चाय को बदनाम कर दिया, तो भारत की चाय बदनाम करने वाला कौन है? मोदी जी आप हो, आपने चाय वाले पर इलेक्शन ही क्यों लड़ा? कल को कहोगे चौकीदार को बदनाम कर दिया, फिर कहोगे फकीर को बदनाम कर दिया, कौन कर रहा है बदनाम? तो आप कर रहे हैं, आपने चाय पर इलेक्शन लड़ा, क्या चाय वालों की सार लई? उसकी तो रेहड़ियाँ बंद करा दी आपने, तो डो डानी बानी जो बाबा रामदेव डेढ़ आँख वाला है उसको सब कुछ दे दिया, इसको तो तीन आदमी दिखते हैं गरीब, बाकी तो पंजाब के जो किसान है ना जो वो अमीर दिखते हैं 135 करोड़, क्या इनके लिए कर रहा है? चौकीदार किसका है? अडानियाँ बानियाँ का बाबा रामदेव का है, जनता का चौकीदार नहीं। आज बोल रहा है, कल के पार्लियामेंट के इसका बयान आया, हम सिखों का जड़ सम्मान करते हैं, सिख बहुत ही बहादुर कौम है, वो तो एक डरे हुए हैं इसलिए बदनाम मी से आप डर रहे हैं कि किसान जो सिख हैं जो 6 तारीख को पूर्ण भारत में चक्का जाम होया, जनता ने बहुत समर्थन किया इसलिए बयान दिया, ये घबराए हुए हैं। एक मैं बात और कह दूँ, नरेंद्र मोदी है जो चीन के गांव वस गया,
उधर तो इसकी जो बात नहीं कर सकते, तो भारत में क्यों चीन बार पाकिस्तान बनाया जा रहा है, क्यों सिंगू बॉर्डर पर किल ठूके जा रहा है, क्यों जो तार लगाई रही है बॉर्डर पर रक्षा करो, जिधर तुहानू लोड़ है उधर करो, नजायज़ फजूली जो खर्चा है यहाँ ना करो। बाबू जी आपको क्यों क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा जो एक बैरिकेडिंग और तगड़ी कर दी है, कीले जमीन में ठोक दिए, सिर्फ यहाँ नहीं हर बॉर्डर पे, ऐसा क्यों कर रही है सरकार, क्या डर है अब? सरकार को किसानों से कोई डर नहीं, उसको अपने आप से डर है कि कहीं हम भाग के पाकिस्तान ना जा पड़े। वो तो अपना पाकिस्तान का रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि उनको भागना पड़ेगा पाकिस्तान किसानों की एकता से, किसानों की एकता से डरते हुए वो रास्ता बंद कर रहे, क्योंकि उनको डर है कि यहाँ पाकिस्तान ना जाबड़े भागते भागते, इसलिए बैरिकेड कर रहे थे, हम इससे पीछे पीछे रहे, जब किसान हमारे मगर पड़े तो हम इधर बंगाल साइड को भागे, महाराष्ट्र को भागे। अच्छा आपने कल सुना मोदी जी का भाषण जी, उन्होंने बोला कि जब हरित क्रांति आई थी उस टाइम भी उसके खिलाफ आंदोलन हुए थे, लेकिन आज हरित क्रांति की वजह से हमारे देश को कितना फायदा हुआ है, उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ये जो तीन बिल है आगे जाकर इससे फायदा होगा? नहीं, कोई फायदा होने वाला नहीं, मोदी साहब तो बोलते थे किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं, कोई अच्छा दिन आया? वो तो पैर पैर में झूठ बोलते रहे। आज मैं इसका थोड़ा इंतरा लिया मोदी का, ये आज तो 25 साल पहले इसने लैंड पर जो किसान मजदूर काम कर रहे थे उसका बटुआ चरा लिया, उसमें 300 रुपया था, वो आज के ज़माने में 30,000 बनता है। इसने प्यो ने जो लैंड बन रहा था, चाय नहीं बेची हो लैंड पर, चाय एक दो पिलाई बोलता है चाय बेचता रहूँ, उसके प्यो ने जो लकड़ी होते बरती जाती थी लोहा बेचा जाता वो लोहा बेच दिया, तो उसका सोना खरीद लिया मोदी, वो खुद सोना लेके घर में बाहर चला गया। जिस दौर उसको पता लगा कि मेरा प्यो चोर है, उसको हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक के बाद उसकी मौत नहीं हुई, 8 महीने तक वो जिंदा रहा, मोदी घर पर नहीं बढ़िया। मोदी एक खुद चोर है, गुंडा है, हमारी जो इसको बनाने की नीति गलत रही, हमको इसको ढूंढ लिया, ये बहुत गलत काम हमने किया है। मोदी का कसूर नहीं है, मोदी बिल्कुल पहले से चोर है, गुंडा है, उसका भाई दरबार पर बैठा हुआ है। ये देखो ये जदों जी बाबूजी जैसे जिस तरह से यहाँ पर कीले गाड़ दी गई है, समझिए कि दो देशों की सीमा होती है, इस तरह का क्यों माहौल बनाया जा रहा है? ये बहुत बहुत बुरी बात है जी। देखो जो अपना ये सारा पंजाब हरियाणा बॉर्डर है, इसमें हमारे देश के लोग हैं जो खेती करते हैं, सारे को अनाज, जो मीडिया वाला भी उसको भी अनाज वहाँ मिलता है, जो किसान है उसको भी, दुकानदारों को भी, व्यापारी को भी, अडानी बानी को भी, मोदी साहब को भी, सारे को अनाज मिलता है। ये कोई देशभक्त लोग ने आपकी सारा 6 महीने जो फसल तैयार करते हैं, 6 महीने जो इन्हों का परिवार, लेडीज़, बच्चे सारे उनके योगदान पाते उस वो फसल तैयार होंगी है। क्या लगता है बात कैसे मानी? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी धर्मपुर से हूँ। कई बार बातें आती है मीडिया में आती हैं कि ये लोग जो है यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के लोग यहाँ पे आंदोलन में बैठे हैं, कुछ ही राज्यों के किसानों को प्रॉब्लम क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरह की बातें बोली जाती है। तो मोदी जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, कड़कड़ाती धूप भी समंदर को सुखा नहीं सकती, बहते तेज भाप को रेत की दीवार रोक नहीं सकती, जिसमें होता है कुछ कर गुजरने का हौसला, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कि मोदी जी इस गलत बहमी में मत रहना कि एक किसान डर जाएगा आपके षड्यंत्रों से, जो आप एक षड्यंत्र रच रहे हैं उसकी वजह से ये किसान पीछे हट जाएगा। ये किसान, ये भारत का किसान है, ये अन्नदाता है, ये आपके इस षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं हूँ। जिस तरह मैं आपको 26 जनवरी की जो घटना हुई उस पर ले जाना चाहूँगा, जिस प्रकार सरकार ने एक षड्यंत्र रचा उस पर बोलना चाहूँगा, कि जिस प्रकार आपने देखा होगा मीडिया में, मतलब जो नेशनल मीडिया के जो चैनल थे उन्होंने कैसे किसानों को पूरा दिन भर कहते रहे कि किसानों ने लाल किले पर खालिस्तानी का झंडा लगा दिया, ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, इस तरह की भाषाएं बोली गई और पूरे देश में एक ऐसा डर का माहौल पैदा कर दिया। आप बताइए 26 जनवरी का दिन और दीप सिद्धू नाम का व्यक्ति बिना
किसी रोक के, बिना किसी टोक के और बिना किसी संकोच के और बिना किसी खरोच के लाल किले पे पहुंच जाते हैं। और आपने वीडियो में देखा होगा कि लाल किले जब ये लोग अपने साथियों के साथ लाल किले पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो पुलिस वाले हैं वो बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, और ये लोग चुपचाप जाते हैं और लाल किले पर झंडा फहराते हैं। अभी दीप सिद्धू की बात हुई तो लगे हाथ में सबसे जरा पूछ लेती हूँ दीप सिद्धू पर भी, क्योंकि अभी की खबर है दीप सिद्धू पर 1,00,000 का इनाम था, गिरफ्तार हो गया है, क्या कहेंगे? दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है? देखो जी, जो तो सरकार का काम है उसने क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करे, पहला जांच करे, किसी भी ऊपर रोप लगाना है उसके सबूत होने लाजमी है, तो फिर जो गुनाहगार है उसको सजा तो मिलेगी ना। जी क्या लगता है कौन गुनहगार है? मैं इधर बोलूं जी, कौन गुनहगार है आपको क्या लगता है? हमारे को उसके बारे में नहीं। आप क्या बोलेंगे? कार किसे बारे में? सिद्धू बारे में? नहीं, वो पता नहीं, बस वो जा हमारे लीडरों को पूछो, जाके जो जज ने जो वकील है उन्होंने पूछो उस बारे हमें क्या मालूम है। अभी आज ही की खबर है कि गिरफ्तार कर लिया गया है उसे, यहाँ पर हालांकि बहुत कम लोग हैं जिन्हें अभी इसकी नॉलेज है, क्योंकि 1 घंटे पहले ये खबर आई है। वही मेरा सवाल है कि अगर गलत है तो गलत बोलिए, सही है तो सही बोलिए, लेकिन नाम पर मैं पहले दिन से मेरी स्क्रिप्ट आप मेरे चैनल हाउ इंडी पर देखिए, पहले दिन से मैं किसान आंदोलन दिखा रही हूँ, मेरी स्क्रिप्ट आप हमारे चैनल पर देखिए, लेकिन जहाँ सवाल आता है मेरी एडिटर मैं खुद हूँ, ये चैनल हमारा खुद का है, मेरे सर पे कोई मेरा बाप नहीं बैठा है जो मुझे बता रहा है, और मैं पहले दिन से जो गलत है मैं वो भी पूछूंगी, सही है मैं वो भी पूछूंगी। मैं 26 के बाद आई थी, मैंने पूछा एक छोटा सा सवाल कि लाल किले पर लोग गए थे कौन थे, लोगों ने मुझे बोला गोदी मीडिया। मैं पहले दिन से आप लोगों का दिखा रही हूँ, एक एक चीज दिखाई, लेकिन एक सवाल पूछ लिया तो आप कह रहे हैं मैं स्क्रिप्ट लेकर आई हूँ। चलो ये बात, दीप सिद्धू की बात अगर आती है, दीप सिद्धू का नाम आते ही इतना ज्यादा बौखलाहट क्यों? कोई बौखलाहट नहीं है किसी में, मैम किसी में कोई बौखलाहट नहीं है। What I am trying to say is, why don't you move ahead? Why do you want to dig the grave of somebody else? यही तो पूछ रही हूँ। कोई खबर ही नहीं है हमारे पास। चलिए मैं बता रही हूँ गिरफ्तार। आप what is the proof? दिखाइए। दिखाइए नहीं, आने नहीं नहीं। आपका फोन होगा, दिखाइए मुझे। चलिए ठीक है, नाम आते ही बौखलाहट आ रही है। आप अंकल नो, आप यू कैन टच माय माइक, नो यू कैन टच माय माइक, यू कैन डू एनीथिंग बट यू कैन नॉट टच मी और एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू मी। आई विल नॉट डू दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, प्लीज गिव अस अ प्रूफ ऑफ सर्टिफाइड रिपोर्ट दैट ही हैज बीन अरेस्टेड। हैव डू यू हैव दैट? मैं अभी जाऊंगी, मैं लेकर आऊंगी, आप यही रहिएगा, मैं आपको लाके दिखा दूंगी। यू हैव द फोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आर्ग्यूइंग विद यू बिकॉज दैट इज नॉट माय क्वेश्चन। मैंने दीप सिद्धू का नाम मैंने लिया, आपने लिया, बताइए। नहीं नहीं, चलो मैंने भी लिया। नाम सुन के इतनी बौखलाहट क्यों? नहीं नहीं, बौखलाहट क्यों होगी, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। वही तो मैं भी चाह रही हूँ, जो सच्चाई है वो सच्चाई। मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ, जो मीडिया ने जो रोल किया, जिस तरह की किसानों को खालिस्तानी बोला, पाकिस्तानी बोला, आतंकवादी बोला, उपद्रवी बोला, जिस तरह की भाषा बोली गई और देश में ऐसा माहौल बना दिया कि लोगों को ऐसा माहौल बना दिया जैसे इनका हमेशा रहा है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाना, और ऐसी परिस्थिति बना दी कि जैसे हिंदू और सिख को आपस में लड़ा दो। ये मीडिया है, मतलब इस तरह की जो घटिया हरकत, जो मतलब लोगों को लड़ाने की बात करते हैं, दंगे हों, आपने देखा होगा पिछला इतिहास देखा, सीए का आंदोलन हुआ, उसमें जो है हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया, कितने लोग वहाँ मर गए। उसके बाद जाटों का आंदोलन हुआ, वहाँ पर उसको नहीं चलने दिया, उसको भी वैसे दबाया गया, वहाँ भी कितने लोग मर गए, स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ते। बेसिकली आपको एहसास है ना इल्ज़ाम लगना कैसा होता है? यहाँ इल्ज़ाम लगता है क्वेश्चन पूछने पे कि ये गोदी मीडिया है, ये स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। जो आप फील करते हैं वो हम भी फील करते हैं और कर चुके हैं। ऐसा नहीं है, सभी पत्रकार ऐसे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की मैं बात बोलूं, जिस तरह के वो झंडे की बात करते हैं, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी और आरएस जिसने 52 साल तक अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया, वो हमें देशभक्ति की बात सुनाई, यो वो हमें तिरंगे का वो ज्ञान देगी, किसानों को देगी, जिसके बच्चे जो हैं बॉर्डर में
शहादत होते हैं और तिरंगे में लिपट के आते हैं, उनको देशभक्ति बताएंगे? आप बताइए, मतलब इस देश ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आप ही से बात खत्म करूंगी। हाँ। बड़ी हिम्मत है, बिकॉज यू से दैट कि आप बड़े फ्री मीडिया वाले हैं, आप गोदी मीडिया वाले नहीं हैं, तो आपकी हिम्मत है क्योंकि आप में सच्चाई है, तो आप हमारे बीच आ सकते हो। जो गोदी मीडिया है वो आने की हिम्मत नहीं कर रहा है आज की डेट में। आपका यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है ये किसी धर्म की नहीं है। धर्मों को बीच में लेके आना मोदी सरकार बंद करे, उसके जो कारकुन हैं उनके कार्यकर्ता हैं वो बंद करें, जानबूझ के नफरत फैलाई जा रही है। ये जो मोर्चा है ये किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ है, लेकिन आज की डेट में ये पूरी की पूरी जनता का बन चुका है। ये सिर्फ यहाँ पे पंजाब में और हरियाणा में नहीं है या यूपी में नहीं है, ये चेन्नई तक पहुँचा हुआ है, मैंने खुद उसको विटनेस किया है, ठीक है। महाराष्ट्र में बहुत सारे चक्का जाम में, उसके पहले जो आंदोलन हुए हैं सब में किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, आज भी बैठे हुए हैं, आज इस टाइम पर भी बैठे हैं, ठीक है। तो ये जो गोदी मीडिया है ये तो एक तो प्रचार करना बंद करे, या करते भी रहेंगे तो हमारे दिमाग जो पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम इतने समझदार हैं, हम उनसे जो आपके MPs बैठे हुए हैं ना, जो मोदी मीडिया वाले जो हैं बैठे हुए हैं, उनसे ज़्यादा यहाँ पर क्वालिफाइड लोग बैठे हैं। किसी ने MSc कर रखी है, कोई PhD बैठा हुआ है, कोई डॉक्टर्स हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड्स में कर रहे हैं, कोई साइंटिस्ट भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। सो यू कैनॉट से कि अभी ये जो है ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का या एक पर्टिकुलर रिलीजन का मोर्चा है, नहीं। ये तो खैर हमने कभी कहा नहीं, लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप ही बता दिए क्या क्वेश्चन पूछूँ आखिर। आप पूछिए। नहीं पूछिए, आपने कहा मैं स्क्रिप्ट लेकर आई हूँ तो लेके आइए ना, फिर क्वेश्चन बताइए, पूछिए, जो भी पूछना। मैंने सब पूछा, अब आप बता दिए मैं यहाँ पे क्या पूछूं कि लोग मुझसे खुश हो जाए और तालियां बजाएं। चलो आपसे खुश हैं, तालियां आपके लिए, क्योंकि आप आने की हिम्मत रखी है आपने यहाँ पे, ठीक है, वी अप्रिशिएट यू, ठीक है। जो यहाँ पे नहीं आ सकता है उसको पता है वो क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि उनको पता है दे आर रॉन्ग, जो रॉन्ग है वो नहीं आ पाएगा सामने, कभी भी नहीं आ पाएगा। ये जो जनता बैठी हुई है यहाँ पे, इसमें कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई नक्सलवादी नहीं है, ये सारे के सारे अपने हकों के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, सारे सारे के सारे, चाहे वो किसान है चाहे वो मजदूर है। इनका आंदोलन भी नहीं रहा, ये एक कॉमन मैन का आंदोलन बन चुका है, क्योंकि कॉमन मैन उससे इफेक्टेड है, चाहे वो दुकानदार है चाहे वो कोई कॉरपोरेट में जॉब करने वाला बंदा है, वो इससे इफेक्टेड है। अगर मुझे किसान की या अपनी नॉर्मल मंडी से कोई चीज़ 20 रुपये किलो मिलती है, तो मुझे वही चीज़ मॉल में जाके 80 रुपये किलो मिलती है। एवरीबॉडी विल सर्टिफाई दैट। जो भी हमारे जैसे कारों में आते हैं ना, बड़ी बड़ी कारों में आते हैं, वो सब सर्टिफाई करेंगे इस चीज़ को, वो यहाँ से लेते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें किसान की मंडी से मिलती है वो अच्छी होती है, हमें सस्ती मिलती है, उसका जो भाव है वो किसान को वापस मिलना चाहिए। अच्छा, ये नहीं है कि अगर किसान को, किसान से आपने 2 रुपए ली और बाद में जाके 200 रुपए बेच दी, दिस इज टोटल एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ योर ओन पीपल। जिन लोगों ने आपको गद्दी दे के बिठाया है आपके पार्लियामेंट में, आप उन्हीं का ही गर्दन काट रहे हो, क्यों? चलिए आज इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ सिंगू बॉर्डर से, और मैं यहाँ पर आती रही हूँ, आती रहूँगी, भले ही कोई मुझे गोदी मीडिया कहे या फिर कुछ भी कहे, हमारा फ़र्ज़ है कि यहाँ से इस आंदोलन की हर चीज़ मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो कल आपको लेके चलूँगी किसी दूसरे बॉर्डर पर और वहाँ का हाल दिखाऊँगी। कैमरा पर्सन आयुषी के साथ मैं फलक इरफान, चैनल हाउ इंडी के लिए धन्यवाद।